डायबिटीज़ किसी भी रूप में बीमारी के का दर्जा उसको नहीं मिला आज तक भी। डायबिटीज़ का मतलब है हाई शुगर। ये हाई शुगर एक बीमारी नहीं है, वो एक मेडिकल कंडीशन है, वो एक टेम्प्रेरी फिनोमिना है। इस वक्त हो सकता है मेरा शुगर हाई हो तो दैट इज़ कॉल्ड हाई शुगर। जैसे मान लो आप दौड़ने लगेंगे, कोई ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा उस वक्त के लिए, दैट इज़ नॉट ए इलनेस, राइट। तो शुगर का ब्लड में एक लेवल से ज़्यादा होना उसे कहते हैं डायबिटीज़। तो अगर इसके दोनों रूपों को हम लें, जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 की बात करें, तो एक आसान भाषा में अगर किसी को समझना हो बिना डरे, ज़्यादा खतरनाक क्या है? टाइप 1 में दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि टाइप 1 एक तो बच्चों से कनेक्टेड है, उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और टाइप 1 का मतलब सीधी भाषा में कि इंसुलिन बच्चा ले रहा है जब भी खाना खा रहा था, तो यानी कि वो एक हैंडीकैप के बराबर का हो गया। इसमें डरने की बात है कि आप उस जब ब्लड शुगर बढ़ गया पहली बार, जब पता चला, अब आप क्या कर रहे हैं, कौन सा रास्ता ले रहे हैं। तब अगर गलत रास्ता चुन लिया तो फिर बॉडी में पॉइजन ऐड होता जाएगा। गलत रास्ता मतलब फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड शुगर अब बढ़ गया, मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या करना है ताकि रास्ता सही हो। अगर मैंने दवा का रास्ता ले लिया तो नाउ आई एम गोइंग टू बी सिक लाइफ लॉन्ग। अगर वो बच्चे ने, हमारे पास कितने बच्चे आते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ गया 400-500 हो जाता है बच्चों को, आजकल के बच्चों में, और उसमें वो कई बार वो कोलैप्स भी हो जाते हैं, उसको रिवाइव हो जाता है बच्चा। लेकिन अब वो इंसुलिन पे आ गया तो मान लो कि अब डरने की बात है, ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहेगा। लेकिन उसी वक्त अगर उसने अपनी डाइट थोड़ी भी चेंज कर दिया तो वो ज़िंदगी भर जो रहने वाला था, वो रास्ता पकड़ रहा था, उससे हमेशा के लिए बच जाएगा। ये जो डिसीजन है इस मौके पर, जब पहली बार एक को पता चलता है मेरी ब्लड शुगर हाई है, वो डिसीजन राइट नहीं होगा तो डरने की बात है। फिर तो लाइफ लॉन्ग एक पकड़ लिया रास्ता, 10 साल से दवाई ले रहे हैं, 20 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। ये डायबिटीज़ एक मेडिकल कंडीशन है जो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। अगर किसी के परदादा या डैडी या उसके उनके घर में कोई लोग डायबिटीज़ से मरे हैं, तो ये डेस्टिनेशन नहीं कि वो भी इसी का पीड़ित होगा या इससे उनकी डेथ होगी। लेकिन अगर उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो अगर उसको बीमार पड़ना ही है तो प्रेफरेबली वो यही वाली बीमारी बॉडी देगा, क्योंकि तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, कोई ना कोई बीमारी, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है, हो सकता है मुझे कैंसर हो, आपको हार्ट डिजीज हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका हिस्ट्री क्या रही आपके पूर्वजों की, राइट। क्योंकि जैसे अभी बिल्कुल एक सामान्य धारणा है, मेरे घर में भी है, मेरी पत्नी के पक्ष में भी है कि उनके माता पिता को दोनों को डायबिटीज है, तो वो हमेशा इसी बात से डरती है कि मुझे भी होगा ही। नहीं नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई कनेक्शन। हाँ, और आप ये भी देखेंगे कई लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई डायबिटीज नहीं, उनको डायबिटीज है, ये कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन, इट इज़ ए टेम्प्रोरी मेडिकल कंडीशन फॉर दैट टाइम, लाइक ए ब्लड प्रेशर, राइट, लाइक ए फीवर, राइट। ऐसा क्यों हो जाता है या हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसका शिकार हो गए हैं इस मेडिकल कंडीशन की कैटेगरी? ध्यान देंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लो वेट घटने लगेगा, यूरिनेशन ज़्यादा पास होगा, चींटियाँ उसमें चारों तरफ घूमेंगी, पूरे दिन भी थके थके रहेंगे, दिन के बीच में नींद आने लगेगी, तो ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता, ये सारी सिम्टम्स आएंगे। एक दिन में सिम्टम ठीक हो जाता है, एक दिन में 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है। आपका दावा है कि आप 72 घंटे में? 72 घंटे में उनका जो 10 साल से डायबिटिक ऑलरेडी है, उन लोगों को आप उससे मुक्त कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही आसानी से। पर ऐसा कोई और क्यों नहीं कर पाया और ऐसा कोई दावा क्यों नहीं करता है? आप कर सकते हैं, अगर आप वही चीज़ बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर पाया। पहले पैसे का है ये, पैसे का मार्केट। हाँ, मनी मेकिंग है, आपके आस पास ही आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस डाइट को फॉलो किया, इसी भोपाल की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर उनको ना तो एक्नॉलेज करेंगे कि आप ठीक हैं, ना ही उनको अप्रिशिएट करेंगे, उल्टा वो डिस्करेज करेंगे। तो ये है, अगर वो डॉक्टर डिस्करेज नहीं करेगा, उनकी एक कम्युनिटी है, मैं तो बहुत गहराई से देखा है, चाहे इंडिया की बात करें, मलेशिया की, वियतनाम की, स्विट्जरलैंड की, जहाँ जहाँ मेरी सेंटर है, बांग्लादेश की, तो हर जगह का वो टेंडेंसी एक ही है, लेकिन सच्चाई तो यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डायबिटीज होती है वो आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ती, मतलब चिता तक, और कई तरह से मतलब उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है कि नाउ इट बिकम्स अ सेकंड वाइफ, है ना, कि हमारे जीवन के साथ साथ जो है वो अब चलती ही जाएगी। तो ऐसी मेंटल स्टेट क्यों बन जाती है ये? दैट इज मेड बाई द फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, लगातार आप कस्टमर हैं, रोज ही आप खा रहे हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, इसीलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि इफ़ यू कैन डू 3 स्टेप्स
3 दिन के अंदर डायबिटीज चली जाएगी, फॉरगेट अबाउट की लाइफ लॉन्ग। थ्री स्टेप, पहला स्टेप है कि 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, ढेर सारा फल। ढेर सारा मतलब कितना, मान लो आपका वेट 70 kg, तो 700 ग्राम तो खाना ही खाना है, उससे ज़्यादा खाएंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन 700 ग्राम तो खाना है। पहला स्टेप, और कुछ कोई भी, जितना मीठा हो उतना अच्छा है, पहला स्टेप। लेकिन कुछ और नहीं खाना, मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि फल खाओ, उसमें वैरायटी आप देखो। लंच और डिनर करने से पहले आपका बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे 70 kg का अगर आप हैं तो 17 × 5 = 350 grams ऑफ 4 kinds ऑफ वेजिटेबल्स, कच्चा खाना है, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, खूब से रहते हैं, 350 ग्राम या ज़्यादा। अब मैं दो बार लंच में भी और डिनर में भी, डिनर से पहले, हाँ दोनों में पहले। और तीसरा रूल है, सिर्फ दो चीज़ों को मैं बोलता हूँ छोड़ो, एक तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो, दूध से बना हुआ चीज़ें, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ वगैरह, और पैक चीज़ को छोड़ो, पैकिंग को पैकिंग में रहने, तो खोलने की जरूरत नहीं। इतना करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपकी मजबूरी हो जाएगी, सारी दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, अदरवाइज इट विल बी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। इंसुलिन वाले को मैं पहले से वार्निंग देता हूँ कि अगर आप ये करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंसुलिन उस दिन की आपको आधा ही लेना है। अगर आपने उतना ही इंसुलिन लिया तो यू कैन डाई, राइट, क्योंकि एकदम से बॉडी रिवाइव करता है, 3 दिन के अंदर इंसुलिन छूट जाता है लोगों का। अब मैं एक थोड़ा सा एक कठिन सवाल पूछूंगा आपसे, मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था, सवेरे बात की तो मैंने पाया कि आपका एक सेमिनार होना था दिल्ली के अंदर, और उसको लेकर के वहाँ की मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन लिया, और आपको मतलब उन्होंने कहा कि नहीं वो तो ड्रामा करते हैं, वो फ्रॉड है, वो फेक डॉक्टर है, उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि वो आपसे डरते थे या उस चीज को उन्होंने उस तरह से स्वीकार नहीं किया? उसमें शायद से दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी आने वाले थे, तो ये सही घटना है? हाँ, ये सही घटना। और आपने इसको एक्नॉलेज किया है, सबसे बड़ी बात है आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक एंटी लिंक दिया है, उसके अंदर आपने इसको एक्नॉलेज भी किया है, खबर का आपने वहाँ लिंक भी दिया है, तो ये सही बात है, और ये होता ही रहता है। मैं तो सोच रहा था यहाँ भी होने वाला है, लेकिन 3 दिन निकल गए, हाँ यहाँ तो हुआ नहीं। ये मेरी तो रोज़ की कहानी है, जहाँ भी जाता हूँ, इंडिया की बात नहीं, जहाँ भी जाता हूँ, कभी FDA वाले आते हैं, कभी IMA आ जाती है, आती है, कई बार नहीं भी कर पाते हैं, नुकसान भी होता है। तो मैं तो, मेरे सामने नहीं आया कभी आज तक, फेस टू फेस जैसे आप बैठे हैं ऐसे नहीं आए, वो अखबार के ऑफिस में जाएंगे या मिनिस्टर के ऑफिस में जाएंगे, मेरे पास नहीं आए कभी भी, कोई नहीं आया आज तक। मैं बल्कि कई बार मैं उनको, मैंने इन्विटेशन भेजा कि आप सामने आओ, स्टेज पे आओ, स्टेज तो हमारा है, और आप पूछो उनसे जो पूछना है। आपके थ्रू भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे बुलाओ और मुझे 10 patients दे दो जो इंसुलिन वाले हो, या जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो, 10 patients मुझे दो, 3 दिन का समय दो और 3 दिन बाद देख लो। तो मैं तो सीधा ही चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज की बात नहीं, मैं सीधा साबित करने की बात कर रहा हूँ कि ये, मैंने बोला उन लोगों को कई बार कि मिलके हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा दोनों का मकसद एक ही है कि डायबिटीज़ फ्री करना। अगर ये मकसद बन चुका है, वो बने रहना देना है तो मकसद है नहीं। तो मैं यही बोलता हूँ कि, एंड थ्रू मीडिया ही बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ कि आप मुझे 10 patients दीजिए या 1 patient दीजिए, या फिर आप मुझसे पूछिए ऐसे कितने लोगों को ठीक किया आप लाके दिखाओ। आप मुझसे पूछेंगे भोपाल में, मैं कम से कम 500 लोग मैं खड़ा कर सकता हूँ आज भोपाल में, उनमें से काफ़ी लोगों का आप जानते होंगे श्योरली, वो खुद ही बोलेंगे, तो वो तो साक्षात है, लेकिन वो मैं, वो सामने नहीं आते कभी, वो दूर TV में बोलते हैं, कभी अखबार में बोलते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी FDA के थ्रू हमारे हॉल को ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज हैपनिंग, वो है, लेकिन साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो किया उसका रिसर्च पेपर मैंने जर्नल में पब्लिश कराया, जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और जो मैंने रिसर्च किया वो रिसर्च कैम्ब्रिज ने पैरेलली किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी यही बोला, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही कुछ बोल रहा हूँ, वो कैम्ब्रिज भी बोल रही है, मैं भी, सच तो सभी एक ही तरह से बोलेंगे।